देखिए इस समय हम मेरठ के मुख्य बस अड्डे पर हैं और आपको बता दें कि आगामी 10 फरवरी को मेरठ में पहले चरण का मतदान होना है और इसको लेकर प्रशासन की ओर से काफ़ी ज़ोरदार तैयारियां हैं, लेकिन इसके लिए वाहनों की व्यवस्था भी ज़रूरी है। देखिए सारी रोडवेज बसें इस समय चुनाव ड्यूटी में लगा दी गई हैं, प्रशासन की तरफ से अधिग्रहित कर ली गई हैं, जिसके चलते यात्री काफ़ी परेशान मेरठ रोडवेज पर किस तरीके से भटकते फिर रहे हैं। अधिकांश बसें चुनावी ड्यूटी पर अधिग्रहित कर ली गई, जिसके चलते यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कैसे लोग बाग बस के इंतज़ार में चारों तरफ भटकते फिर रहे हैं। जी हाँ, पहले चरण का मतदान मेरठ में 10 फरवरी को, जिसको लेकर रोडवेज की अनुबंधित और भी उसके अलावा जो अपनी निजी बसें हैं वो भी अधिग्रहित की गई। ये मेरठ रोडवेज का नज़ारा, मेरठ से अमूमन देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, दिल्ली, नोएडा, जयपुर, गुड़गांव, अधिकांश हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के लिए बसें मिलती हैं यात्रियों को, लेकिन इस समय ये कैसे लोग बाग भटक रहे हैं यात्री, बसों की संख्या बहुत कम। मैं राजस्थान पत्रिका के लिए मेरठ से KP त्रिपाठी।